पहली कॉपी। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, कौन बताएगा मुझे? कहाँ तक पढ़े लो बताओ मैम, बताओ मैम कहाँ तक पढ़े हो? यहाँ तक पढ़े थे, दिखाओ मैम यहाँ तक भी गए। आ की मात्रा पढ़ चुकी हो ना, आ की मात्रा की सारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। नो सामर सामर फोटो। चलिए तो आ की मात्रा कंप्लीट हो चुकी। चंद्रांशु आप बताओ, चंद्रांशु आ की मात्रा सब कंप्लीट हो चुकी है ना? बोलो चंद्रांशु, क्या कह रही मैम? आपकी मात्रा कंप्लीट हो गई है, हो चुकी है ना? आज हम लोग क्या पढ़ जा रहे हैं, ई की मात्रा, यानी छोटी ई की मात्रा। और रिमझिम आपका सिर्फ पिछला काम नहीं कंप्लीट है, क्योंकि कोर्स तो आगे हो गया है, अब तो सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। तो जो भी आपका काम जो अभी आपने नहीं कर पाई है, आप छूट गया है, पीछे हो गया काम आपका, तो उसके लिए अभी बाद में आपको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे आपका काम कंप्लीट कराना है। तो आज मैं जो करा रही हूँ उसको अभी आप कर लीजिए, ठीक है? तो हिंदी की कॉपी निकालिए, राइट डेट है, व्हाट इज द डेट टुडे? और क्लास वर्क, क्लास वर्क लिख लीजिए। डब्ल्यू क्लास वर्क, डब्ल्यू यानी क्लास वर्क। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तन्वी, गुड आफ्टरनून नित्या। आप दोनों हिंदी की कॉपी निकाल लीजिए। हिंदी छोटी की मात्रा है बेटा, हिंदी की कॉपी मात्रा लिखो। या की मात्रा, हाँ हाँ, द में छोटी की मात्रा, न दी में। किसकी मात्रा है ये? छोटी की। किसकी मात्रा है? छोटी की। छोटी तो ई की छोटी ई की मात्रा, मामा में बड़ा की मात्रा, मात्रा बड़ा की मात्रा, मात्रा। आप देखिए जैसे ये मैंने लिखा ला, और ला में मैंने किसकी मात्रा लगाई है, जल्दी से बताइए आप लोग किसकी मात्रा लगाई है? बताओ, देखो मात्रा छोटी की मात्रा, ला में छोटी की मात्रा लगाई है, तो ला क्या बन गया है? छोटी बन गया है ली। अगर हम ला में आ की मात्रा लगाते तो ला क्या बन जाता है? ला। ली की मात्रा लगाई तो ला बन गया ली। आप हमने लिखा यहाँ पर खा, लिखो छोटी की मात्रा, लिखो यहाँ पे बेटा, लिखो की मात्रा, छोटी की मात्रा बन गया, लिखो छोटी की मात्रा, लिखो में लिखिए। क्या है व्यंजन? क्या बन गया? लिख रही बेटा, ये देखो मैम जो लिख रही, कॉपी में राइट करते जाइए, फिर हमने लिख लगाई तो खा क्या बन गया? माँ में की मात्रा लगाई तो माँ बन गया, जैसे कि पहले आप लोग लिखते थे सेम वैसे ही आपको लिखना है। गा में छोटी की मात्रा तो गा क्या बन गया? घी। घा में छोटी की मात्रा तो घा क्या बन गया? घी।
पढ़ना नहीं लिखना छा में छोटी की मात्रा अच्छी छा में छोटी की मात्रा अच्छी जा में छोटी की मात्रा जी छा में छोटी की मात्रा जी छोटी मात्रा छा में छोटी की मात्रा टी छोटी की मात्रा ठी डा में छोटी की मात्रा लगाई तो डा बन गया डी डी ढा में छोटी की मात्रा लगाई तो डी जमी बन और नीचे पेंसिल पकड़ो पेंसिल नीचे आ रही है लिखो दा में छोटी की मात्रा थी ती थी अब क्या आएगा द दा में छोटी की मात्रा दी में छोटी की मात्रा दी लिखो बेटा की मात्रा नी ती थी दी नी ती फी तो पा ये तो लिखा है हम पा में आ की मात्रा लगा देंगे तो आ आ सुनाई पा लेकिन हमें क्या लिखना है पी ई की मात्रा पी यहाँ पर पा में ई की मात्रा तो पा बन गया पी पा में ई की मात्रा पा बन गया पी देखो यहाँ पर बी धीरे से बी बी पी पा में छोटी की मात्रा भी पा में छोटी की मात्रा पी छोटी कौन सी छोटी की मात्रा ये राम छोटी की मात्रा ली राम छोटी की मात्रा ली राम छोटी की मात्रा वी उठ के बैठो उठ के अब शाम में छोटी लगाएंगे तो शाह बन जाएगा शिक या शिव शिव लिखना है आपको तो क्या करेंगे शा, कौन सा शाह सीटी वाला शाह सलजम वाला शाह तो क्या करेंगे शी शाम में बड़ी छोटी शी वा शिव उसके बाद छोटी मात्रा तो क्या पढ़ेंगे जब पर छोटी मात्रा बोलू बोल बोल यहाँ पर इसके आगे का मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ ये देखिए ये सादा वाला सा है सा में छोटी की मात्रा सी छोटी की मात्रा सी छोटी की मात्रा ही ऐसे पढ़ाने आता था ना हाँ मैं छोटी मात्रा ही क्या बन गया हाँ छोटी की मात्रा जब मैं छोटी मात्रा पहले स्टैंडिंग लाइन में स्टैंडिंग लाइन उसके बाद त्री सा में छोटी की मात्रा त्री सी पूरा गेट तक ओके लिख लीजिए इसको इसके बाद क्या लिखे मात्रा वाले शब्द ई की मात्रा वाले शब्द निकालो शब्द
सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा. ओके सुंदर सुंदर वेरी गुड दिया जाता है ना. एक्सलेंट आपको मार्क्स मिलेंगे. राइटिंग बहुत सुंदर होती है ना, जब उसकी कॉपी साइन की जाती है तो उसको वेरी गुड भी दिया जाता है. तो आप वेरी गुड सही है कि नहीं, आप लिख रही है सामर्थ. चलो यार ना बना ना सिग्नल बना ऊपर कर देते हैं ना. पकड़ो लिखिए. हाँ सेकंड पेज ओपन करिए. प्रांशु और रिमझिम बेटा को एक अपना माइक म्यूट कर लो. दोनों की आवाज एक साथ मिलके और बहुत नॉइज हो रही है. प्लीज को एक अपना माइक म्यूट कर लो, चंद्रांशु या रिमझिम. ओके बना.
क्योंकि ना आप दोनों आसपास हो इसलिए आप दोनों का जो फोन है दोनों की वॉइस से भी बहुत नॉइज हो रही है। ओके जब जरूरत हो तभी कोई एक ऑन करेगा, दोनों साथ में मत ओपन करिएगा माइक। येलो बना से अपने वैसे वैसे आपकी बुक है ना देखिए डी की मात्रा छोटी मात्रा लगा ऐसे नहीं लगा ऐसे ही लगा ये इस तरह चार में किसकी मात्रा कितनी है देखो 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 चलो बाद में देखने लगा उसको देखिए देखिए डी की मात्रा है ना छोटी की मात्रा ऐसे बताओ मैम डी की मात्रा है ना देखो ये छोटी है क्या मात्रा में भी छोटी की मात्रा है तो ये देखिए संज्ञा डी क्या के पढ़ते तो क्या बनेगा डी डी आप भी बोलिए सेकंड क्या लिखा हुआ है याद है क्या लिखा हमें कौन सी मात्रा लगी है देखो हमें कितनी मात्रा है कितनी मात्रा है ये छोटी की मात्रा या धनिया या धनिया ये देखो क्या लिखा है द में छोटी मात्रा ना पढ़ा चलिए आप ये पढ़ मैं छोटी की मात्रा ना छोटी की मात्रा ना ये पढ़ो क ये पढ़ो छोटे की मात्रा क्या बन गया कवि बोलो कवि बोलो ना बोलो कवि कवि छोटे की मात्रा बोलो ये लड़के कहो कौन जल्दी बताइए ये पढ़ नहीं पा रहे मैम ये पढ़ो क्या पढ़ो गा छोटी की मात्रा मैं
ये पढ़ो मैं छोटी की मात्रा रवि छोटी की मात्रा ना गिन उसके बाद ये पढ़ो गिन मंत्रा पढ़ो ल लिखा पढ़ो पढ़ो ना किताब में कुछ नहीं होता तुम्हारा पढ़ो उसको क्या लिखा पढ़ो पढ़ो छोटे की हाँ मैं छोटे की मात्रा हाँ मैं छोटे की मात्रा ला हिल छोटे की मात्रा ला किल नहीं खिल काम में छोटी की मात्रा ला खिल काम में क्या लगा क्या चलो पढ़ो काम में छोटी की मात्रा ये देखता नहीं मेरे मम्मा का हाथ कहाँ गया देखो काम में छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा क्या ये लिखा ये पढ़ो इसको बेटा में छोटी की मात्रा हरी देखता नहीं छोटी की मात्रा हमें छोटी की मात्रा हरी में छोटी की मात्रा में छोटी की मात्रा हरी हरी देखो मैम की फिंगर दो ये पढ़ो ना मैं छोटी की मात्रा किसकी मात्रा लगी है देखो मैम का फिंगर कहाँ जा रहा है बेटा देखो ये देखो वाह पढ़ो हाथ देखो पढ़ो ना वाह में छोटी मात्रा ध में छोटी की मात्रा गा के मात्रा टी गा में मात्रा लिखो गा में मात्रा गी गा में मात्रा लगी है टी चाहिए इसमें मात्रा लगी है ये इसमें लगी है टी टा में लगा टी सामर और ये ला के मात्रा है माँ में ई की मात्रा लगाई है ना मात्रा लगाई माँ में ई की मात्रा ये क्या लिखा है मैं लगाई छोटी मात्रा तो खा क्या बन गया छोटी मात्रा क्या बन गया किलो खी में छोटी की चलो हैंड राइटिंग में लिखो आप लिखो आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा मिल बोल बोल लिखो मिल लिखिए मिल मिल मामा में छोटी की मात्रा मिल मिल खा खा में छोटी की मात्रा खिल खिल ता में छोटी की मात्रा तिल तिल मिल मिल बोल लिखो हो तो क्या
आप लिखिए अ बा में छोटी की मात्रा बी न बिन ब हाँ बा में छोटी की मात्रा बी न बिन में छोटी की मात्रा लिखो बिन बिन आप लिखिए कुछ लिखना है इसे बाबा में बी की मात्रा बिन 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 लगी न गिन बाबा में छोटी की मात्रा न लिखो न लिखो गिन लिखो पहले बिन गिन अच्छा ये लोगों को लिख बिन गिन लिखने तो आप कैसे लिखेंगे ही र न कैसे लिखेंगे हिरन जल्दी से बताइए कौन बताएगा हमें छोटी की मात्रा और बोलो पढ़ के सुनाओ ना छोटी की मात्रा आपकी में छोटी की मात्रा लिख लिया क्या लिखो चलो मैम देखो त्रिशा साम त्रिशा कितने अच्छे से लिख रही है चंद्रांशु भी बहुत अच्छे से लिख रहे हैं नित्या भी देखो और रिमझिम देखो कितने अच्छे से लिख रही है तो सामर तो गुड बॉय ना जल्दी जल्दी लिखो चलो देखो चंद्रांशु भी कितने पढ़ी है ऐसे नहीं बोलते अब गुड बॉय ना चलिए जल्दी जल्दी से करके दिखाइए हिरन बोलो हिरन तक मैम लिख दिया मैम बोल दो बोलो हिरन तक लिखता है आंसर दो मुझे त्या पढ़ते हैं आप क्या नित्या हिरन बंद है नित्या पापा को बताना था भाभी आप मैम से पेंसिल का लगा फेंकना ले दिखा अच्छे से मैम लेके अच्छे से प्रॉपर्ली बैठ उठ रिमझिम कॉपी शो जिसमें आपने लिखा है रिमझिम मम्मी हां जी बोलो लेकिन क्या और क्या कपड़ा डाल रिमझिम अपनी कॉपी शो करिए जैसे चंद्रांशु शो करते चंद्रांशु आप शो करिए चलो करो वेरी गुड चंद्रांशु चलिए आप जी माफ करिए थोड़ा कॉपी को सीधा दिख नहीं रहा है आपको बार बार नीचे रिपीट कर
करके लिखना है ओके भी लिखिएगा ओके त्रिशा त्रिशा को कितना अच्छा है ओके आप कॉपी शो करिए यस मैम तो मैंने पहले ही देख लिया कि उसने बहुत अच्छा लिखा है अब नित्या शो करिए कॉपी मैम ये छड़ी शो कर रहा है पिट के शो कराएं क्या इसको मार मार के शो कराएं चलिए ठीक है बात क्लास का टाइम फिनिश हो गया ओके मैम